भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर के तत्वाधान में आयोजित पौधरोपण अभियान के तहत महानगर के गोरक्षनगर मंडल के द्वारा राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फलदार एवं सदाबहार पौधे लगाए। पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय, महानगर अध्यक्ष पवन यादव के द्वारा पौधा लगाकर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा का एकमात्र उपाय पौधरोपण है। वृक्ष हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिनसे हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, दवा, शीतल छाया जैसे अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं तथा वर्तमान पर्यावरण दशा को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने का कार्य सभी को करना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण के लिए एक शुरुआत की गई है, जिसे समाज के सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाकर भारी संख्या में वृक्ष लगाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, नरेंद्र पांडे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजीत जी उधर रखिए, इधर इतना बड़ा मकान क्या है, पता नहीं क्या है, कल रूम निकाल दीजिए, क्या है निकल जल्दी, माटी भरी होती है उधर जाइए, वहाँ पे है पूरा ना, आगे पानी डाले खींचे इधर आइए ना, बाकी इधर कुछ तो चले जाएगी, ये ढीला हो जा रहा है ना, ये ढीला टूटा नहीं है, फोड़ दीजिए थोड़ा नीचे कर, अच्छा नीचे हो गया, फोड़ के लगा इजी, इस बगल इस बगल कसवा निकाल दो या पानी डाल दो। युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा है और उसी के तहत गोरखपुर क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क से इस अभियान का शुभारंभ किया था और सभी जनपदों में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान चलाए जा रहे हैं। युवा मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है, प्रकृति के अनुरूप कार्यक्रम है और इसलिए युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत ही निष्ठा और लगन के साथ गोरखपुर क्षेत्र के सभी 11 जनपदों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराने का लक्ष्य युवा मोर्चा ने लिया है और वो काम पूरा हो रहा है।